हेलो फ्रेंड्स, अनुमिस यूट्यूब हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन संधि। स्वर संधि हम लोगों ने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, करते हैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और साथ ही साथ दोस्तों, जो साइड में बेल का आइकन दिख रहा है उस पर भी क्लिक कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि हमारे चैनल की हर एक न्यू वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उस बटन पे क्लिक करके आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने टॉपिक पे। अब यहाँ पे दोस्तों, हम पढ़ने वाले हैं व्यंजन संधि। तो सबसे पहले हम व्यंजन संधि के बारे में जान लेते हैं कि व्यंजन संधि क्या होती है। तो देख सकते हैं, जहाँ पर व्यंजन वर्णों के द्वारा विकार उत्पन्न होता है वहां पर व्यंजन संधि होती है। यानी कि स्वर संधि में हम लोगों ने पढ़ा कि जहाँ पर स्वरों के माध्यम से विकार उत्पन्न होता है वहां पर स्वर संधि होती है। सेम टू सेम वैसे ही व्यंजन संधि में क्या होता है कि जहाँ पर व्यंजन वर्णों के माध्यम से विकार उत्पन्न होता है वहां पर व्यंजन संधि होती है। तो एग्जाम में आपको ये नहीं पूछेगा कि व्यंजन संधि क्या होती है, इसकी परिभाषा तो पूछने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी व्यंजन संधि पढ़ने से पहले हमें उसके बारे में जानना जरूरी है कि आखिर व्यंजन संधि होता क्या है, किसे कहते हैं। तो व्यंजन संधि होता क्या है, तो जहाँ पर व्यंजनों के माध्यम से कोई विकार उत्पन्न हो वहाँ पर व्यंजन संधि होती है। तो अब हम देख लेते हैं व्यंजन संधि के एक एक नियम के बारे में। व्यंजन संधि में कई सारे नियम हैं, उन सारे नियम को हम एक एक करके समझेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम पहला नियम देखते हैं। तो पहला नियम है हमारा, यदि त या द के बाद च या छ आए तो त या द के स्थान पर च हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए, इसके लिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कोई भी संधि विच्छेद अगर हम करते हैं, किसी भी शब्द का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो उसमें दो पद होता है। पहला जो होता है उसे प्रथम पद कहते हैं और जो दूसरा होता है उसे द्वितीय पद कहते हैं। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर प्रथम पद के अंत में और द्वितीय पद के पहले, तो यहाँ पे देखिए, यदि त या द के बाद, यानी कि अगर प्रथम पद के अंत में त या द इन दोनों में से कोई हो के बाद च या छ आए तो, यानी कि द्वितीय पद के पहले च या छ आए तो त या द के स्थान पर च हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के थ्रू इसे अगर हम समझते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे सचित। अब सचित का संधि विच्छेद क्या होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सत धन चित। अब यहाँ सतधन चित कैसे है, यह सही है या गलत है, इसे सत्यापित हम करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे प्रथम पद ये हुआ और द्वितीय पद ये हुआ। तो प्रथम पद के अंत में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि त आया हुआ है। अब यहाँ पे एक बात और, यहाँ पे आप देख सकते हैं त के नीचे हलंत हमने लगाया है। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये कि ये जो त है ये पूर्ण रूप से व्यंजन है, इसमें स्वर नहीं है। यानी कि आप जानते होंगे कि कोई भी व्यंजन स्वर के माध्यम से बोला जाता है, अगर उसमें से स्वर निकाल लिया जाए तो किसी भी व्यंजन के नीचे हलंत लग जाता है, तो उसमें स्वर नहीं माना जाता है। तो इसी तरीके से ये हम व्यंजन संधि पढ़ रहे हैं, तो व्यंजन संधि में स्वर नहीं रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रथम पद के अंत में यहाँ पे त आया हुआ है और द्वितीय पद के प्रारंभ में यहाँ पे च आया हुआ है। तो देख सकते हैं यहाँ पे नियम में भी कहा गया है, यदि त या द के बाद च या छ आए तो देख सकते हैं यहाँ पे त है और त के बाद च आया हुआ है। तो अब ये त जो है च में परिवर्तित हो जाएगा। तो अब ये जो त है ये आधा है, तो जो च में परिवर्तित होगा ये भी आधा च में परिवर्तित होगा। यानी च के नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं हलंत लगा हुआ है, तो जब हम इसका संधि करेंगे तो हो जाएगा सचित। उसी तरीके से आप नेक्स्ट देख सकते हैं सचयन। सचयन का संधि विच्छेद अगर हम करें तो होगा सत धन चयन। तो यहाँ पे आप देखिए, प्रथम पद के अंत में त आया हुआ है, धन द्वितीय पद के प्रारंभ में च आया हुआ है। तो अब ये त जो है च में परिवर्तित हो जाएगा। तो जब ये च में परिवर्तित हो जाएगा, यानी ये आधा च है, तो जब हम इसका संधि करेंगे तो हो जाएगा सचयन। इसी तरीके से ये रहा पहला नियम। इसका मतलब ये कि जहाँ पर भी प्रथम पद के अंत में त या द दोनों में से कोई भी हो और द्वितीय पद के प्रारंभ में च या छ में से कोई भी हो, तो त या द यानी प्रथम पद के त या द के स्थान पर च हो जाएगा, यानी कि वो च में परिवर्तित हो जाएगा।
तो ये रहा हमारा व्यंजन संधि का पहला नियम। अब हम आते हैं अपने दूसरे नियम पे। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरा नियम है, यदि त या द के बाद ज या झ हो तो त या द के स्थान पर ज हो जाएगा। इसका मतलब ये कि यदि प्रथम पद के अंत में त या द आए और द्वितीय पद के प्रारंभ में ज या झ आए तो प्रथम पद का त या द ज में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, सज्जन, सज्जन का संधि विच्छेद हो जाएगा सतधन जन। सतधन जन सही है या गलत है तो चलिए देख लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे प्रथम पद के अंत में त आया हुआ है और द्वितीय पद के प्रारंभ में ज आया हुआ है, यानी त के बाद ज आया है। तो यहाँ पे नियम में भी देखिए यही कहा गया है कि यदि त या द के बाद ज या झ हो तो त या द के स्थान पर ज हो जाएगा। तो त के बाद ज आया हुआ है तो अभी ये त जो है वो ज में परिवर्तित हो जाएगा। यानी कि एक बार ध्यान दीजिएगा हमेशा कि जो भी यहाँ पे हम व्यंजन लिखेंगे इसके नीचे हलंत हम जरूर लगाएंगे, यानी कि इसको हम आधा मानेंगे, ये आधा हो जाता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये जो ज है ये आधा हुआ है, तो ये जो ज है वो यही वाला ज है। तो जब तक यहाँ पे हलंत नहीं रहेगा यहाँ पे आधा ज नहीं होगा। अगर यहाँ से हलंत हटा लेते हैं तो ये गलत माना जाएगा। तो जब भी हम करेंगे इसका संधि विच्छेद तो यहाँ पे हलंत जो है नीचे जरूर रहेगा। तो अब हम इसका जब संधि करेंगे तो हो जाएगा सज्जन। उसी तरीके से अगला उदाहरण है उज्ज्वल, उज्ज्वल का संधि विच्छेद होगा उत धन ज्वल। अब यहाँ पे देखिए द्वितीय पद के अंत में त आया है, धन यहाँ पे ज आया हुआ है। अब इसके स्थान पर यानी अभी त जो है ये ज में परिवर्तित हो जाएगा और इसका जब हम संधि करेंगे तो हो जाएगा उज्ज्वल। अब हम चलते हैं अगले नियम की तरफ। तो अगला नियम है यहाँ पे, यदि प्रथम पद के अंत में स या त वर्ग हो एवं बाद में अर्थात द्वितीय पद के प्रारंभ में स या च वर्ग हो तो संधि करते समय स के स्थान पर स हो जाएगा एवं त वर्ग च वर्ग में बदल जाएगा। इसका मतलब ये है कि प्रथम पद के अंत में स आए या फिर त वर्ग में से कोई भी अक्षर आए। त वर्ग में कौन कौन आता है तो त थ द ध न, ये पांचों जो है वो त वर्ग में आते हैं। एवं बाद में अर्थात द्वितीय पद के प्रारंभ में स या च वर्ग हो, यानी कि स हो ये वाला स और च वर्ग, च वर्ग में क्या आएगा तो च छ ज झ ञ, ये जो है पांचों वर्ड च वर्ग में आएंगे। तो या तो स आए या च वर्ग में से कोई भी वर्ड आए तो संधि करते समय स के स्थान पर यानी प्रथम पद के अंत में जो स आ रहा था उसके स्थान पर स हो जाएगा। यानी कि ये छोटा स इसको हटा के यहाँ पे ये वाला स यानी बड़ा स जिसे आप लोग कहते हैं ये हो जाएगा एवं त वर्ग च वर्ग में बदल जाएगा। और यदि त वर्ग है यानी प्रथम पद के प्रारंभ में यदि त वर्ग है तो वो जो है च वर्ग में बदल जाएगा। अब इसका उदाहरण हम देख लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे रामस धन सेते, तो पहला पद ये है और दूसरा पद ये है। तो प्रथम पद के अंत में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स आया हुआ है ये वाला स यानी कि छोटा स, धन द्वितीय पद के प्रारंभ में ये वाला स आया हुआ है यानी कि बड़ा स आया हुआ है। तो नियम में क्या कहा गया है कि यदि प्रथम पद के अंत में स हो यानी कि छोटा स और द्वितीय पद के प्रारंभ में बड़ा स हो तो ये जो स है प्रथम पद का स बड़े स में परिवर्तित हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है ये वाला स इस स में परिवर्तित हो जाएगा और जब हम इसका संधि करेंगे तो होगा रामस्येते। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो स है यहाँ पे आधा है, आधा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ये जो स है इसके नीचे हलंत है यानी कि ये आधा माना जाएगा। तो ये बात जरूर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे शब्द के नीचे हलंत जरूर रहेगा। अगर हलंत नहीं लगाते हैं तो आपकी संधि विच्छेद आपकी संधि जो है वो गलत मानी जाएगी। तो इस तरीके से ये रहा हमारा अगला नियम। दूसरा नियम इसी में कहा गया है कि यदि प्रथम पद के अंत में तवर्ग आए, तवर्ग में से तवर्ग में पांच आएंगे, पांच अक्षर त थ द ध न, इन पांचों में से अगर कोई भी अक्षर आ रहा है प्रथम पद के अंत में और द्वितीय पद के प्रारंभ में चवर्ग आए, चवर्ग में
च छ ज झ य, इन पांचों में से कोई भी वर्ड आ रहा है, कोई भी अक्षर आ रहा है, तो संधि करते समय क्या होगा कि जो तवर्ग है यानी प्रथम पद का जो तवर्ग है वो चवर्ग में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे मान लीजिए इसका अगर हम उदाहरण देखें तो यहाँ पे हमने कोई उदाहरण नहीं लिखा है। एज एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि इसी उदाहरण में अगर हम यहाँ स के स्थान पर जैसे मान लेते हैं कि कोई भी तवर्ग आ रहा है, सपोज दैट अगर यहाँ पे स को हटा देते हैं और यहाँ त मान लेते हैं, तो प्रथम पद के अंत में यहाँ पे तवर्ग आया यानी तवर्ग का पहला अक्षर यहाँ पे त आ गया, और द्वितीय पद के प्रारंभ में अगर यहाँ से हम से हटा देते हैं और मान लेते हैं कि यहाँ पे च आ जाता है या फिर छ आ जाता है, मान लेते हैं कि च आ गया, तो होगा क्या, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि तवर्ग के बाद अगर चवर्ग आता है तो तवर्ग चवर्ग में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे त आया था और यहाँ पे च आया था, तो ये जो त होगा प्रथम पद का ये जो है च में परिवर्तित हो जाएगा, यानी कि जिस नंबर वाला शब्द यहाँ पे रहेगा उसी नंबर का चवर्ग यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद अगला नियम हम देख लेते हैं, यदि प्रथम पद में स या तवर्ग हो एवं द्वितीय पद के प्रारंभ में स या त हो तो संधि करते समय स का स हो जाएगा एवं त के स्थान पर त हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि यदि प्रथम पद में स या तवर्ग हो यानी प्रथम पद के अंत में स आए या फिर तवर्ग में से कोई भी अक्षर आए एवं द्वितीय पद के प्रारंभ में स या ट आए यानी कि या फिर स आए या फिर ट आए, तो संधि करते समय स का स हो जाएगा यानी जो प्रथम पद में स आया था ये जो है इस स में परिवर्तित हो जाएगा यानी षटकोण वाले स में परिवर्तित हो जाएगा एवं तवर्ग के स्थान पर ट हो जाएगा, और यदि प्रथम पद के अंत में तवर्ग है तो ये तवर्ग जो है वो ट में परिवर्तित हो जाएगा। यानी कि इसमें दो बात कही गई है कि अगर प्रथम पद के अंत में स आ रहा है और द्वितीय पद के प्रारंभ में स या त इन दोनों में से कोई भी आ रहा है तो ये जो स है छोटा स ये षटकोण वाले स में परिवर्तित हो जाएगा, और यदि प्रथम पद के अंत में तवर्ग आ रहा है और द्वितीय पद के प्रारंभ में छोटा स या फिर ट इन दोनों में से कोई आ रहा है तो ये जो तवर्ग है ये ट हो जाएगा यानी तवर्ग में से कोई भी अक्षर है तो वो जो है ट में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे इसका उदाहरण देख लेते हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पे तत् धन टीका, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये प्रथम पद है और ये द्वितीय पद है, तो प्रथम पद के अंत में त आया हुआ है, धन द्वितीय पद के प्रारंभ में यहाँ पे त आया हुआ है, तो त के बाद अगर त आता है तो ये जो त है आप देख सकते हैं तवर्ग है, ये तवर्ग का पहला अक्षर है त, तो अगर त के बाद ट आ रहा है तो ये त जो है वो ट में परिवर्तित हो जाएगा। तो इस तरीके से जब हम इसका संधि करेंगे तो हो जाएगा तट्टिका। इसी तरीके से अगला है दुस्धन त, तो देखिए यहाँ पे प्रथम पद के अंत में स आया हुआ है छोटा स, धन ट ये द्वितीय पद का पहला पद है, ये ट आया हुआ है यानी स के बाद ट आया है, तो ये जो स है ये षटकोण वाले स में परिवर्तित हो जाएगा, और जब हम इसका संधि करेंगे तो हो जाएगा दुष्ट। तो दोस्तों ये रहे व्यंजन संधि के कुछ नियम, इसमें और भी नियम अभी बाकी है जिसको हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको कहीं कोई डाउट रह गया है, कोई सजेशन है तो आप हमें कमेंट में जरूर लिख सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज दोस्तों एक लाइक और शेयर जरूर दीजिए, क्योंकि दोस्तों आपका लाइक और शेयर ही हमारे लिए सबसे बड़ा सपोर्ट बनता है। तो चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।